भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि के दौरान पोहरी निवासी सहरिया जनजाति के नाम बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पोहरी विधानसभा में एसडीएम राजनवीर नाडिया के मार्गदर्शन में चल रहे इस अभियान में ग्वालियर संभाग में पोहरी तहसील में सबसे ज्यादा 9978 नाम जोड़कर पहला स्थान ग्वालियर संभाग में पाया है। वहीं ग्वालियर ईस्ट ने 9265, शिवपुरी ने 9144, करेरा ने 8926 नाम जोड़ने का काम किया है। इस कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्रों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों, महिला बाल विकास अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, बीआरसीसी, खाद्य विभाग के अधिकारियों की समस्त शासकीय अशासकीय कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य को निर्देशित किया कि वो आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए शत प्रतिशत सहरिया मतदाताओं के नाम दर्ज कराने का काम किया है। संबंध में बीएलओ के सहयोग के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, पटवारी, सचिव, रोजगार सहायकों को भी सर्वे दल में शामिल होकर पहला स्थान मिला है। सर, अभी लगातार मतदाता सूची का काम चल रहा है, नाम बढ़ाने का, घटाने का, जिले में आप लगातार अप्पल चल रहा है सर, बताइए कि कितने नाम जुड़ गए हैं अभी तक? अभी निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 8 दिसंबर तक, जो कि आज है, ये प्रोग्राम चल रहा है मतदाता सूची का संक्षिप्त निरीक्षण। इसके तहत में घर घर जाकर जो मतदाता हमारे हैं वहाँ पर बीएलओ हमारे घर घर जाएंगे और जो राजनीतिक पार्टी दल हैं उनके बीएलओ के साथ मिलकर घर घर जाके मतदाताओं का नाम जोड़ा जाना है, जो 1 अक्टूबर 2005 को होने वाले 1 अक्टूबर 2005 को जो 18 साल का हो जाता है उसका भी नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी जारी की जानी है। इसके अलावा जो लड़कियां शादी होकर यहाँ पे आई हैं, नई बहू हैं, उनका भी मतदाता से नाम जोड़ा जाना है और जो यहाँ पे शादी को जा चुके हैं प्राथमिक कार्रवाई की जानी है। इसके अलावा जो कोई एबसेंट है वहाँ पर नहीं मिलता है, शिफ्टिंग किया जाना है या भाग संख्या भाग संख्या बदलना है या किसी की डेथ हो गई है तो उसका भी नाम काटने की कार्रवाई की जानी है या फिर संशोधन किया जाना है। इसके अलावा मतदाता सूची में यदि किसी का नाम गलत लिखा, मकान नाम गलत लिखा हुआ है उसको चेंज करने की कार्रवाई की जा रही है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के स्थान पर कलर फोटो को लिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। तो ये पूरा अभियान हमारे बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसके तहत हमारे मतदाता जो हमारे बीएलओ है वो मतदाता घर घर गए, अन्य हम लोगों ने रैली निकाली के आगे जो महिलाएं हैं वहाँ पर नाम जोड़ा जा सके। इसके साथ चूँकि ये वाला जो बेल्ट है जो शहरी आदिवासियों से भरा बेल्ट है तो यहाँ पर शहरी मतदाता हमारे एक बिना छूट जाए जो पात्र मतदाता है उसके लिए हम लोगों ने विशेष प्रयास किए, स्कूलों में कैंप लगाए, जगह जगह जाकर महिलाओं की रैली निकाली, आंगनबाड़ी की मदद ली गई, जो अन्य डिपार्टमेंट हमारे चाहे वो फूड का डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारे पटवारी हो, सचिव हो, जी आदेश हो, हमारे बी एल ओ, सबकी मदद से हम लोगों ने बड़े पैमाने पर काम किया और उसके मुझे ये लगता है कि हम जिले में भी सर्वाधिक मतदाता हम लोग विधानसभा में जो